दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने न्यू पुलिस लाइन में सब्सिडियरी सेंट्रल पुलिस कैंटीन का उद्घाटन किया और साथ ही न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप में रिसाइकलिंग कंपोस्ट यूनिट का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि रोजाना की उपभोक्ता आइटमों को देखते हुए न्यू पुलिस लाइन में कैंटीन के स्पेस में वृद्धि के साथ नई बिल्डिंग की जरूरत महसूस की गई। इसी के चलते नई बिल्डिंग बनाई गई जिसका उद्घाटन पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने गुरुवार को किया और इसके साथ ही पुलिस लाइन में ग्रीनरी करीब 110 एकड़ लैंड पर फैली हुई है जिसके चलते यह पत्ते गिरते रहते थे, जिससे अब रिसाइकल कर इन पत्तियों से खाद का निर्माण किया जाएगा। आइए सुनते हैं इस मौके पर पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने क्या कहा। ये हमारा जो न्यू पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ही एक बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर ऑफिसेज भी है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। एक सब्सिडियरी पुलिस कैंटीन यहाँ पर पहले चल रहा था लेकिन इस पर जगह की कमी थी, जिसके वजह से जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन सबके जो ज़रूरतें थी वो अच्छी तरह से पूरी हो नहीं पा रही थी। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए इसका स्पेस बढ़ाया गया है, एक नया बिल्डिंग क्रिएट किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा उस पर तरह तरह की तमाम फैसिलिटीज दी गई है और कैंटीन के रेट पे सीआरपीएफ से टाई अप है हमारा, वहाँ से हम प्रोक्योर करते हैं, हमारे जवान उसको सही रेट्स पे उपलब्ध किया जाता है। तो इससे एक उम्मीद रखी जाती है कि हमारे जो न्यू पुलिस लाइन्स कॉम्प्लेक्स में हमारे जो तमाम रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसके बारे में सोचा गया और पुलिस यूनिट ने एक अच्छा इनिशिएटिव किया कि कंपोस्टिंग यूनिट यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाए ताकि उसकी डिस्पोजल वगैरह कैसे प्रदूषण ना फैलाते हुए अच्छी तरह से उसका डिस्पोजल हो और उसका मीनिंगफुल यूटिलाइजेशन करके उससे हम ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह से प्रोड्यूस होता है जो कि बाद में यूज़ होता है गार्डनिंग एंड अदर थिंग्स। हमारे जो दूसरे यूनिट्स हैं उनको भी ये देते हैं। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये बहुत ही अच्छा डेलीवरी का इनिशिएटिव है और आगे हम और भी हमारे जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं जहाँ पर ज़्यादातर इस तरह की समस्याएँ रहती है ऑक्सीजन के पत्ते गिरने का, वहाँ भी इसको बाद में एक्सटेंड करेंगे। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।